स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम रीट लेवल टू की कड़ी में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यौन संक्रमित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब पर आप शशि सिडाना के नाम से भी हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। और रीट लेवल टू से केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी के लेक्चर जो हैं वो आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यौन संक्रमित रोगों की कड़ी में हम डिस्कस करें तो तीन रोगों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला रोग है एड्स, दूसरा गोनेरिया या सुजाक के नाम से जाना जाता है इसको, गोनेरिया या सुजाक, और तीसरा रोग इस कड़ी में आएगा सिफिलिस, सिफिलिस या इसे आतशक के नाम से भी जाना जाता है, सिफिलिस या आतशक। सिलेबस के बारे में बता दूं आपको, आपके सिलेबस में पहले 5-6 रोग बताए हुए हैं, जिसमें क्षय रोग है, टिटनस है, टाइफाइड है, जिसमें से सभी रोग हम डिस्कस कर चुके हैं, एकमात्र डिप्थीरिया रोग उसमें मिस हो गया था जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले, तो एड्स, गोनेरिया या सिफिलिस को डिस्कस करने से पहले हम डिप्थीरिया को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर आगे लिखा है संक्रमणकारी रोग, तो संक्रमणकारी रोग में हम यौन संक्रमित रोग पढ़ रहे हैं, बाकी संक्रमणकारी ये भी हैं। संक्रमणकारी वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, तो यौन संक्रमित रोग भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसी कड़ी में। तो यौन संक्रमित रोगों को डिस्कस करने से पहले एक जीवाणु जनित रोग मिस हो गया था सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे, वो है डिप्थीरिया। तो यौन संक्रमित रोगों को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्थीरिया। ये यौन संक्रमित रोग नहीं है, लेकिन पिछले कड़ी में हमारा एक टॉपिक मिस हो गया था जीवाणु जनित रोगों में, तो उसी कड़ी में ये एक जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया ये यौन संक्रमित नहीं है, फिर आपको बता दूं यौन संक्रमित रोग हम अलग से डिस्कस करेंगे, डिप्थीरिया डिस्कस कर रहे हैं हम। डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोगों की कड़ी में पेंडिंग रह गया था, और डिप्थीरिया का जो जीवाणु है वो है कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरेनी बैक्टम बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, तो इसका जीवाणु है कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जिसे क्लेबस लोफलर बेसिलस के नाम से भी जाना जाता है, क्लेबस लोफलर बेसिलस, क्लेबस लोफलर बेसिलस, क्योंकि इसकी खोज जो है वो क्लेबस और लोफलर ने की थी इस बैक्टीरिया की, तो क्लेबस लोफलर और बेसिलस। तो डिप्थीरिया जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है, कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से ये होता है, और क्लेबस लोफलर बेसिलस के नाम से इसको जाना जाता है इस जीवाणु को। और इस रोग में जुकाम और गले में खराश विशेषता है इस रोग की, कि नाक में सूजन आने लगती है, गले में सूजन आने लगती है, गले में खराश होने लगती है, और गले में एक पीली परत सी बन जाती है, जिससे श्वसन तंत्र हमारा बाधित होता है, लसिका ग्रंथियां जो है वो सूज जाती हैं, तो मेन तो नाक व गले में ये दिक्कत उत्पन्न करता है, गले में एक पीली परत बन जाती है, पीली परत सी जमा हो जाती है गले में, लसिका ग्रंथियों में सूजन आने लगती है, और जैसे जैसे रोग तीव्र अवस्था की ओर आता है वैसे वैसे हृदय किडनी व तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है, और व्यक्ति की वेदना पूर्वक मृत्यु हो जाती है।
तो उग्र अवस्था में ये रोग हृदय, किडनी और तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे व्यक्ति की वेदनापूर्वक मृत्यु हो जाती है। अब इस रोग के उपचार, रोग का जो संक्रमण है वही सेम ड्रॉपलेट्स से फैलता है। ये खांसी और छींक आने से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं उन्हीं से ये रोग जो है आगे फैलता है, इस रोग का संक्रमण होता है। और इंजेक्शन जो है वो DPT का टीका लगाया जाता है इसके लिए। DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस का इंजेक्शन जो है वो इसके लिए, DPT का इंजेक्शन इसके लिए लगाया जाता है। सभी टीकों की जानकारी भी मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा कि कौन से रोग के लिए कौन सा टीका और कब लगाया जाता है बच्चे को, वो सारी जानकारी भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं हम यौन संक्रमित रोगों की ओर, जिसमें पहला रोग आता है एड्स। तीन रोग हमने लिखे, एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस। इसमें से एड्स जो है वो विषाणु जनित है, वायरस से होता है। गोनेरिया और सिफिलिस दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। तो एड्स विषाणु से और गोनेरिया और सिफिलिस दोनों जीवाणु से, बैक्टीरिया से होते हैं। सबसे पहले एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड यानी अर्जित, इम्यूनो यानी प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी यानी कमी, और सिंड्रोम यानी रोगों का समूह। तो एड्स वास्तव में कोई रोग नहीं है, एड्स रोगों का एक समूह है जिसमें अर्जित प्रतिरक्षा में कमी आने लग जाती है, और इसका जो रोग कारक है, जो पैथोजन है, वो है एच आई वी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी ये ह्यूमन यानी मानव, इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी प्रतिरक्षा में कमी वायरस, यानी मानव की प्रतिरक्षा में कमी करने वाला वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये एक रिट्रोवायरस जो होता है वो बहुरूपिया वायरस होता है। वो अपना बहुरूपिया यानी जो बहुत सारे रूप धर सकता है, बहुरूपिया। अब हमारी जो अर्जित प्रतिरक्षा है उसमें कमी कैसे आती है, उसको समझें हम। तो रेट्रोवायरस, HIV एक रेट्रोवायरस है, बहुरूपिया वायरस है। हमारी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए, अर्जित प्रतिरक्षा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ब्लड सेल्स हैं वो है WBC। ये मान लो WBC कोशिका है। कार्य क्या है WBC का? ये हमारी बॉडी में आने वाली किसी भी प्राई चीज़ को पहचान कर मारने का काम करती है। जैसे कोई जीवाणु या विषाणु जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो WBC उस पर अटैक करती है और उसको मार देती है, जिससे हम रोग ग्रसित होने से बच जाते हैं। परंतु यदि किसी स्थिति में WBC उन्हें मारने में असमर्थ हो जाए तो फिर हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब एड्स में क्या होता है, ये WBC है मान लो, और ये मान लो मैंने R लिखा, R यानी रेट्रोवायरस, R फॉर रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस है HIV। अब WBC जो है, जैसे ये रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, WBC इसे पहचानती है कि ये कोई पराई चीज़ मेरी बॉडी में एंटर हो गई है। रेट्रोवायरस जो है वो मेरी बॉडी का नहीं है, कोई पराई चीज़ मेरी बॉडी में एंटर हो गई है। तो WBC जो है वो इस पर अटैक करती है, लेकिन क्योंकि ये बहुरूपिया वायरस है, इसलिए ये अपना रूप बदल लेता है।
थोड़ी देर बाद ये अपना रूप बदल गया, ऐसा हो गया। तो WBC ने इसे आइडेंटिफाई किया था, लेकिन जैसे WBC इसको मारने के लिए आती है ये अपना रूप बदल लेता है, WBC इसे पहचान नहीं पाती। फिर थोड़ी देर बाद वो आइडेंटिफाई करती है कि पराई चीज़ तो ये रही, तो फिर वो इस पर अटैक करना चाहती है, लेकिन ये वापस अपना स्वरूप बदल लेता है। तो ये अपना स्वरूप ऐसा, रूप ऐसा धारण कर लेता है, WBC फिर इसे पहचानने में असमर्थ हो जाती है। परंतु वायरस जो होता है उसकी गुणन की क्षमता, प्रजनन की क्षमता, वृद्धि की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़े ही समय में ऐसे बहुत सारे वायरस वो तैयार कर लेता है। तो WBC जो थी वो इन्हें पहचानने में असमर्थ रही, क्यों? क्योंकि ये बहुरूपिया वायरस था। अब हुआ क्या, WBC से मारना चाहती थी लेकिन ये अपना रूप बदलता रहा, WBC से पहचान नहीं पाई। रूप बदलने के साथ साथ ये अपनी संख्या में गुणन करता रहा, वृद्धि करता रहा, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब यह WBC को घेर लेता है और इसे नष्ट कर देता है, WBC को ही मार देता है। ये उल्टा हो जाता है सिस्टम, WBC ने जहाँ इसको मारना था वहाँ ये अपना रूप बदलता रहा और फिर अपनी संख्या में वृद्धि करता रहा, और WBC को ही इसने घेर लिया और मार दिया, जिससे हमारी प्रतिरक्षा में कमी आ जाती है, अर्जित प्रतिरक्षा में कमी आ जाती है, क्योंकि अर्जित प्रतिरक्षा का जो कारण था वो थी WBC। तो इसने WBC को ही नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है और हम ऐसी स्थिति में एड्स ग्रसित कहलाते हैं। जब WBC नष्ट हो जाती है तब एड्स ग्रसित बोला जाता है व्यक्ति को, और उस समय क्षय और न्यूमोनिया जैसी जो बीमारियां होती हैं वो हम पर अटैक कर देती हैं, और व्यक्ति बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है, और ऐसे रोगों से बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो एड्स स्वयं कोई रोग नहीं था, एड्स ने क्या किया, सिर्फ WBC को नष्ट किया, जिससे अन्य रोग जो थे वो व्यक्ति को हो गए। तो रोगों का एक समूह है ये। तो ये इसका काम, HIV का काम सिर्फ इतना ही है कि WBC को नष्ट करता है, उसके बाद ये क्षय और निमोनिया जैसे रोगाणु जब हमारी बॉडी पर आक्रमण करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उनको रिकवर नहीं कर पाती, और बहुत सारे रोग जो हैं वो धीरे धीरे लगते जाते हैं व्यक्ति को, और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 3 वर्ष के अंदर अंदर। अब इसमें जो बता दूं आपको, एक तो होता है एड्स ग्रसित, एक होता है एड्स ग्रसित कब बोला जाएगा, जब WBC नष्ट हो जाएगी, उसके बाद व्यक्ति को एड्स ग्रसित बोला जाएगा जब WBC नष्ट हो जाएगी। WBC नष्ट नहीं हुई और HIV एंटर हो गया, तो उस समय वो व्यक्ति एड्स ग्रसित नहीं होता, उसे फिर HIV सीरो पॉजिटिव बोला जाता है। HIV सीरो पॉजिटिव, दोनों बातों में फ़र्क है। HIV सीरो पॉजिटिव का मतलब है कि HIV एंटर तो हो चुका है परंतु अभी उसने प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो HIV सीरो पॉजिटिव एड्स ग्रसित हो जरूरी नहीं है, HIV एंटर हो गया तो व्यक्ति HIV सीरो पॉजिटिव हो गया। अब HIV जो रेट्रोवायरस है वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाएगा, और 15 माह से लेकर 57 माह के अंदर अंदर ये WBC को नष्ट कर देता है। जब WBC नष्ट हो जाती है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एड्स ग्रसित बोला जाता है। तो दोनों बातों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि HIV सीरो पॉजिटिव और एड्स ग्रसित में फ़र्क है। क्लियर, एड्स ग्रसित तभी बोला जाएगा जब WBC नष्ट हो चुकी है। और इसमें एक वर्ड और आता है, विंडो पीरियड। विंडो पीरियड वैसे किसी भी रोग में हो सकता है। विंडो पीरियड क्या है, देखो जब रोग का संक्रमण होता है यानी रोगाणु हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है परंतु अभी उसके लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देने लगते, उसका टेस्ट संभव नहीं है, उसके लक्षण नहीं आए हैं अभी हमारे, तो वो एंटर तो कर गया पर उसने लक्षण अभी उजागर नहीं किए हैं। तो एंटर करने से लेकर लक्षण उजागर होने तक का जो समय होता है उसे हम विंडो पीरियड बोलते हैं, विंडो पीरियड। तो उस समय अभी एंटर तो वो बॉडी में हो गया पर उसके लक्षण अभी प्रकट नहीं होने लगे हैं, तो ऐसी इस समय अवधि को विंडो पीरियड कहा जाता है। हर रोग के अंदर होता है विंडो पीरियड,
जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इसमें भी कहते हैं कि संक्रमण के 3, 4, 5 या 14 दिन के अंदर अंदर ये अपने लक्षण दिखाता है। तो वो विंडो पीरियड है 3, 4 या 5 दिन का, संक्रमण से लेके लक्षण आने तक का जो समय होता है उसे विंडो पीरियड बोलते हैं। अब एड्स के लिए जो टेस्ट हैं, एलिसा टेस्ट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट एड्स रोग के लिए किया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और वर्तमान में जो सबसे फेमस है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये तीन टेस्ट एड्स के लिए किए जाते हैं, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और पीसीआर। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, इसका एचआईवी जो कि रेट्रोवायरस है, बहरूपिया वायरस है, इसी कारण डब्ल्यूबीसी इसे पहचानने में असमर्थ रहती है और फिर क्षय और निमोनिया जैसे रोग जो हैं वो हमें हो जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी के नष्ट होने के बाद जब क्षय और निमोनिया होता है तो फिर व्यक्ति उन रोगों से बाहर नहीं निकल पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को एचआईवी सीरोपॉजिटिव कहा जाता है और एचआईवी संक्रमण के बाद जब डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाती है तो उसे एड्स ग्रसित कहा जाता है। और भारत में जो पहला रोगी मिला था एड्स का, वो मिला था 1986 में चेन्नई के अंदर। एड्स का प्रथम रोगी 1986 में इंडिया में चेन्नई में, और राजस्थान में 1987 में मिला था पुष्कर में। राजस्थान में जो एड्स का पहला रोगी मिला था 1987 में पुष्कर में, और जो इंडिया में मिला था वो 1986 में चेन्नई में। तो ये था एड्स रोग। अब चलते हैं हम आगे सुजाक या गोनेरिया रोग की ओर। एड्स के बचाव भी बता दूं मैं आपको, एड्स रोग जो है वो यौन संक्रमित रोग है। यौन संक्रमित मतलब जो ज़्यादातर लैंगिक क्रिया के द्वारा फैलता है, यौन के द्वारा फैलता है, यौन संबंध जब बनाए जाते हैं तो उनके द्वारा फैलने वाला रोग है। तो एक तो सुरक्षित यौन संबंध तो इसके लिए ज़रूरी है, दूसरा जो सुई होती है निर्जमिकत सुई का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति की सुई, मान लो अपने उसके इंजेक्शन लगाया और उसी इंजेक्शन वाली सुई का यूज दूसरे व्यक्ति में कर दिया तो वो एचआईवी संक्रमित हो सकता है। तो सुई जो है वो बिल्कुल निर्जमीकृत होनी चाहिए। इसके अलावा एचआईवी पॉजिटिव जो ब्लड डोनेट कर देता है तो फिर दूसरे में वो ब्लड अगर दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति था वो भी एचआईवी संक्रमित हो सकता है। तो इसलिए वर्तमान में जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तो बहुत सी बीमारियों की जाँच की जाती है, जैसे सिफिलिस है, एचआईवी है, हिपेटाइटिस बी है, क्योंकि हिपेटाइटिस बी में भी अपने पढ़ा था निर्जमीकृत सुई वाला ही सिस्टम होता है हिपेटाइटिस बी में। तो ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं ये किए जाते हैं ब्लड डोनेट करने से पहले। दूसरे रोग की ओर चले हम, गोनेरिया या सुजाक की ओर। तो सेकंड जो डिजीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिजीज़ है गोनेरिया या सुजाक। तो इसका जो बैक्टीरिया है एड्स विषाणुजनित था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं गोनेरिया या सुजाक, ये जीवाणुजनित है और इसका जो जीवाणु है वो है नाइजीरिया गोनेरी। नाइजीरिया गोनेरी ये जो रोग है ये मूत्र जनन मार्ग में सूजन उत्पन्न करता है, सुजाक रोग के नाम से जाना जाता है। मूत्र जनन मार्ग यानी यूरेथ्रा कह सकते हैं आप, मूत्र जनन मार्ग में सूजन आ जाती है, यूरेथ्रा में सूजन उत्पन्न करता है ये, जिससे मूत्र त्यागते समय जलन का अनुभव होता है। तो पुरुषों में मूत्र जनन मार्ग में सूजन आ जाती है, मूत्र त्यागते समय जलन का अनुभव होता है और शिशन के बिल्कुल सिरे से हल्का हरा पीला स्त्राव निकलता है। शिशन के बिल्कुल सिरे से
हरा पीला लिक्विड जो है वो निकलता है, हरा पीला स्त्राव शिशन के बिल्कुल सिरे से स्त्रावित होता है जब व्यक्ति मूत्र का उत्सर्जन करता है। और मादा में जो मूत्र मार्ग तो प्रभावित होता ही होता है, इसके अलावा गर्भाशय की ग्रीवा भी इससे प्रभावित होती है, गर्भाशय की ग्रीवा और मूत्र मार्ग। तो गोनेरिया का जो रोग कारक है वो एक जीवाणु है नाइजीरिया गोनेरी। मूत्र जनन मार्ग में ये सूजन करता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसके अलावा पुरुषों में शिशन से हरा पीला स्त्राव निकलने लगता है और जो मादा होती है उसके गर्भाशय की ग्रीवा पर जो है वो संक्रमण होता है इस रोग का। इसकी जो रोकथाम है तरीका वही है, सुरक्षित यौन संपर्क, सुरक्षित यौन संपर्क होना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए जो औषधि यूज की जाती है गोनेरिया या सुजाक के लिए वो है प्रोकेइन पेनिसिलिन। औषधि इसके लिए यूज की जाती है प्रोकेइन पेनिसिलिन, औषधि इस रोग के लिए बेहतर मानी जाती है। तीसरा और अंतिम यौन संक्रमित रोग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिफिलिस या आतशक। सिफिलिस या आतशक ये भी एक जीवाणु जनित रोग है और इसका जो जीवाणु है वो है ट्रिपोनेमा पैलेडियम। ट्रिपोनेमा पैलेडियम जीवाणु से होने वाला रोग है ये, जिसकी आकृति जो होती है वो स्क्रू जैसी आकृति, पेच जैसी आकृति होती है। स्क्रू जैसी आकृति ट्रिपोनेमा पैलेडियम की होती है, सिफिलिस रोग के लिए जो उत्तरदायी है। सिफिलिस रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है जिसमें मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है और लाल दाने पुरुषों में शिशन पर और मादा में योनि में लाल दाने बनने लग जाते हैं। तो सूजन मूत्र मार्ग में और लाल दाने जो हैं शिशन और योनि पर, लाल दाने जो हैं वो इसमें योनि के अंदर लाल दाने बनने लग जाते हैं और जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो रोग जो होता है वो उग्र स्थिति में तो होगा क्या, इसमें मूत्र मार्ग में तो सूजन आनी है, इसके अलावा शिशन पर लाल दाने और योनि की झिल्ली में भी लाल दाने, और जैसे जैसे रोग उग्र स्थिति में आएगा वैसे वैसे ये हृदय और मस्तिष्क पर भी घातक प्रभाव डालता है। औषधि इसकी भी प्रोकेइन पेनिसिलिन है। इसके अलावा एक औषधि और बेंजेथिन पेनिसिलिन का यूज भी इसके लिए किया जा सकता है। प्रोकेइन पेनिसिलिन तो है ही है, इसके अलावा बेंजेथिन पेनिसिलिन का यूज भी इस रोग के लिए, सिफिलिस रोग के लिए किया जा सकता है बेंजेथिन पेनिसिलिन। तो स्टूडेंट्स ये थे यौन संक्रमित रोग एड्स, गोनेरिया या सिफिलिस। तो यदि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।